देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों में लोग अलग अलग अंदाज में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जिसे देख आप भी कह उठेंगे हैप्पी बर्थडे मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन को लेकर देश भर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। झारखंड बिहार से भी जन्मदिन की कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे रोचक तस्वीर दरभंगा से आई है, जहां 71 नावों पर 71 केक के साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया गया। दरभंगा के मछुआरा समाज ने पूरे उल्लास और उमंग के साथ इस बेहद ही रोचक समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने ढोल बाजे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाया। लाखों की संख्या में पूरे मिथिलांचल से मछुआरा आए हैं। वह इसलिए आए हैं कि मछुआरा समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और आज पूरे बिहार में उत्साह का वातावरण है, दरभंगा में उत्साह का वातावरण है। पटना के बिहटा में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर अब तक के विभिन्न आयामों और उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कटिहार में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण का कार्यक्रम रखा। इस मौके पर वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी जोर दिया गया। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री मोदी को एक योग पुरुष के साथ राष्ट्र के कुशल शासक के रूप में कहा। इस अवसर पर उन्होंने नमो बुक का भी वितरण किया। इधर रांची में अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने पहाड़ी मंदिर में जाकर भोले बाबा से प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की और यहां मौजूद प्रशंसकों के साथ मिलकर केक भी काटा। पटना में भी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और मजार पर चादर पोशी कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। नरेंद्र मोदी जी का यौमे पैदाइश है और आज के दिन जहां कई जगह उनका जन्मदिन हम सब कार्यकर्ता मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद मिल रही है। हम लोग यहाँ पर हजरत सैयद शहीद गुलाम सफदर पीर मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आए हैं और नरेंद्र मोदी जी के लंबी उम्र की दुआ करने आए हैं कि वो कामयाब हों। पटना में ही जदयू की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे बढ़ाया, वहीं बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी और नंद किशोर यादव ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को अपने अपने अंदाज में मनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कराएगा। उन्होंने कहा 30 लाख से ज्यादा करेंगे, बताइए कितना टाइम मिलता है, 7 लाख से ज्यादा हो गया। हाय हाय भाई मोदी जी जुग जुग जियो रे, यही सुबह कहाँ बना मारे, कहाँ बना मारे जुगु जुगु जियूराव रे, जुगु जुगु जियूराव रे। धनीरो रे जान माली, धनीरो रे जान माली, इनाम के जागाली, इनाम के जागाली, जुगु जुगु जियूराव रे, जुगु जुगु जियूराव रे। रांची में भी प्रदेश बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा के रूप में समर्पित करते हुए कई लोगों को सम्मानित किया।
प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ पद्मश्री मुकुंद नायक और बलबीर दत्त ने भी इस समारोह की शोभा बढ़ाई।